दोस्तों, मैं हूं सुदेश लहरी और आज हमारे साथ हैं नेहा कक्कड़। हिंदुस्तान की नहीं बल्कि बॉम्बे की फेमस लड़की, मतलब बॉम्बे की मेरा मतलब है कि बॉम्बे में जो यहाँ पे कलाकार रहते हैं तकरीबन वो लोग उनको फिल्मों में या टीवी पे देखते हैं, लेकिन ये बॉम्बे में भी लोग, आम जनता इनको इतने पसंद करती है क्योंकि आज इन्होंने जो नाम कमाया है छोटी सी उम्र में कहाँ तक पहुँच गए, तो आज हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले, अरे इतनी दूर से आई हैं तो आप ये बताइए कि कुछ खाया कि नहीं? कुछ नहीं खाया? तो फिर क्या बात कर रहे हो? अच्छा, आप ये बताइए, म्यूजिक के बारे में बात करते हैं कि आप ये बताइए कि संगीत आपकी नजर में क्या है? जैसे कुछ लोगों की नजर में ये होता है कि संगीत ईश्वर है, संगीत भक्ति है, संगीत परमात्मा है, आपकी नजर में क्या है? जैसे कई लोग गाने, जैसे आजकल गाने गा रहे हैं लोग, कई गाने तो ऐसे ही आजकल पता नहीं क्या क्या गाने आ रहे हैं, पानी पानी ब्लू है पानी, ये गाने तो बच्चे तो बोल रहा हूँ ना, बच्चे बच्चे गा रहे हैं ना आपका गाना, हिट हो गया। ये गाना आपने गाया, बच्चे बच्चे हिट, मरते हुए लोग गा रहे हैं, बोलो पानी 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 दे दो पानी। तो ये एक आपने एक शुरुआत की है कि लोग मरते हुए गाना कैसे। तो मुझे ये भी पता चला कि आप बहुत थोड़ी सी बेशर्म भी हैं, जैसे ब्लू फिल्म में भी गाना गाया आपने। क्यों गाया आपने? क्यों गाया? उन्होंने बोला था आपको मूवी का गाना है। तो आप ये बताइए, अब जो मेन बातें जो हमने करनी है लोगों को बतानी है, जो टिप्स, क्योंकि हमको नहीं पता रियाज कैसे करना चाहिए, जैसे सुबह उठ के भी कर लें, शाम को भी कर लें, और ये तो हो गया ना भाई रियाज का एक बढ़िया चीज। मेन बात बताइए आप कि गाने पुराने आपको पसंद है कि नए? जैसे पुराने गाने का एक अपना ही सुरूर है, रहा गर्दिशों में हर दम, तो ये पुराने गाने, नए गाने आप बताइए, आपको नया गाना कौन सा पसंद है? जैसे पानी पानी छोड़ के कोई और गाना बताइए जो है, मतलब कि सबसे अच्छा आपको लगा हो, जैसे तेरी कहत जवानी, ये गाना भी किसी का आया था, ये गाना छोड़ो, ये तो सुपर हिट है, हिट गाना मैं बोल रहा हूँ ना। अब आप बताइए, जब आप तो बताते नहीं हो, आप खुद ही मतलब जवाब दे, मेरे को पूछने तो दो, कुछ पूछने देते नहीं, आप ही बोली जा रहे हो। आप ये बताइए, अरे ये तो मैं भूल ही गया, अब बताइए। अच्छा, अब ये बताइए कि हाय, ये बताइए कि आपको सिंगर कौन से पसंद है, नए या पुराने? हाँ प्लीज बताइए ना, आप ही बताएंगे, मैं थोड़ी बताऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, लता जी, आशा जी, मैं जानता था, आप भी तो बताइए कुछ, तो मैं खुद ही मेरे को सारा बोलना पड़ा, आप भी तो बताइए कुछ। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी जो सुनने वाले कुछ, क्योंकि आप हमारे स्टूडियो में आई हैं, तो गाना तो जरूरी, एक गाना तो बनता है, तो एक गाना प्लीज मैं सुनाता हूँ आपको। राज की बातें लिखी और खत खुला रहने दिया। वेरी गुड, बहुत मजा आया सच्ची, मुझे सारी इंटरव्यू अच्छी लगी, लेकिन जो लास्ट में सॉन्ग है ना ये वाला, इसका बहुत मजा आया, पता नहीं क्यों, बहुत अच्छा। नेहा जी, मैं कहता हूँ इसी तरीके हंसती रहें, खुश रहें, गाती रहें। आपको लास्ट में आप सुनने वालों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो कहूंगा कि बस रियाज करते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। क्या हुआ? अरे ये तो एक थकावट हो जाती है, ये कलाकारों को थोड़ी बातें करनी पड़ जाए तो बस खत्म हो जाता है, लेकिन बहुत कुछ आपने कहा, बहुत समझाया, इनकी बातें हमेशा याद रखिए, हर खुशी के मौके पर याद रखो नेहा कक्कड़ और उनके साथ सुदेश लहरी। थैंक यू।